मेवात के पुनहना में तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है। तनाव को देखते हुए इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि मतदान के दिन 10 अप्रैल को पुनहना में वोटों को लेकर इनेलो और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। इस झड़प में एक युवक की मौत भी हो गई थी, जिसके चलते विवाद और बढ़ गया था। अब दोनों पक्षों को प्रशासन की तरफ से सुलह करने के लिए बुलावा भेजा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ मेवात पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने कहा कि वो मृतक युवक के घर जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के गुड़गांव से उम्मीदवार राव इंद्रजीत ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और निर्दोषों को न फंसाया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि जो सुलह की कोशिश की जा रही थी वो फिलहाल टल गई है और अभी वहाँ पुलिस ने पूरी तरह से इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं।